Sabrina, how do you feel about being at the show? Um, it feels different, and I don't know. I mean, मेरे जैसे और भी बहुत सारे हैं जो कि शायद इसी उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा. So probably I think मुझे लगा था it's 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 not that inspiring. But if one life can be inspired, कि हाँ वो भी कुछ कर सकते हैं, I think that would be good. आपकी कैसी जिंदगी थी ग्रोइंग कैसी लाइफ थी आपके पेरेंट्स आपके घर का माहौल हाउ ऑल माहौल्बर दैट इट वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज माई फादर वो सब्जी मंडी में काम करते रहे आई मीन आई रिमेंबर पापा टेलिंग अस के वो बारह साल आई थिंक उससे भी पहले आठ साल से ही जस्ट वेंट आउट एंड स्टार्टेड अर्निंग एंड जब से वो आठ साल के थे जब से वो आठ आठ साल के थे ही स्टार्टेड अर्निंग और उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज बताई कि उन्होंने कुल्फियाँ बेची हैं एंड माचिस की जो डब्बिया बनती हैं वहाँ पे काम किया है एंड देन फाइनली ही एंडेड अप वर्किंग एट सब्जी मंडी सो so शुरू में वो किसी के साथ काम करते थे एंड देन ही स्टार्टेड हिज ओन वर्क पर आई रिमेंबर स्टॉल होती थी वहाँ पे सो सब्ज़ी मंडी काइंड ऑफ इट्स लाइक नॉट स्टॉल्स बट शॉप्स डिफरेंट शॉप्स एंड एवरीबडी हैज़ लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जी सो लाइक वी वर्क विद क्यूखम्बर खीरा एंड मिर्ची सो किसी का टमाटर का होगा सो so, इस तरीके से बट हमारा जो है वो ये वाला काम था

उन्होंने तो अपने अच्छे स्कूल में तो एडमिशन uh, करवा दिया था लेकिन वो फ़ीस इतनी ज़्यादा थी कि हमने कभी भी फीस टाइम पे नहीं भरी इट नेवर हैपेंड एंड आई आई रिमेम्बर कि जब भी हमारा एग्ज़ाम होता था जब भी एग्ज़ाम से पहले टीचर आती थी साबरीन आप आ जाएं क्योंकि आपकी फ़ीस नहीं भरी हुई एंड इट इट वॉज इट 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 वॉज वेरी हार्ड हार्ड ब्रेकिंग दैट टाइम तो

जस्ट बिकॉज फीस नहीं पे हुई तो उसमें बच्चे की फॉल्ट नहीं है बच्चे को तो बताना भी नहीं चाहिए स्कूल वालों yeah. को टेक्निकली मे बी पर पेरेंट्स एंड लेट देम नो एंड ऐस ऐसा ऐसा भी नहीं था कि अबू पे नहीं करते थे आई रिमेम्बर अम्मी टैलिंग अबू के कल इनका पेपर है और आपको आज फीस देनी है और वो मुझे याद है कि अगर छः को पेपर है तो वो पाँच को फ़ीस भर देते थे बट बिकॉज वो इतना छोटा मार्जिन होता था कि उनके पास नहीं जाता था कॉल किया जाता था साल नहीं ये बहुत साल तक होता रहा और हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा ब्रोकन है पैसे के लिए आपके पास फीस नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते या मतलब स्कूल के हिसाब से द स्कूल वॉज वेरी गुड लेकिन आई डोंट नो कि द इंटायर सिस्टम इज लाइक दैट क्योंकि शायद उन्हें भी पैसे मतलब स्कूल भी पैसे के हिसाब से चलता है बट आई थिंक ये करने से आप बच्चे की मेंटल हेल्थ पे कितना बुरी तरीके से वो कर रहे हैं तो दिस वॉज हाउ दिस द स्कूलिंग वॉज लाइक और फिर आम फिर हम कॉलेज में गए कॉलेज में हम थोड़े बड़े हो गए हमें पता चला कि कैसे करना है एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मी मेरे भाई बहन शायद भाई ने उसको डिफरेंट तरीके से कोप किया होगा बट ये एक चैलेंज है ऐसे बहुत सारे घर में चैलेंजेस थे अम्मी ऑलवेज आज के ग भूखे आज थोड़ी ज़्यादा पैसे रख कर जाना क्योंकि मुझे ये बनाना है एंड देन समटाइम्स राशन पूरा ना होना घर में सो इट वॉज इट वॉज हार्ड आई एम बिकॉज लाइक आई सेड अगर स्कूल में फ़ीस नहीं पे किए गए तो बच्चे को नहीं कॉल आउट करना चाहिए स्पेशली उस बच्चे को जो एक्चुअली डेडिकेटेडली इज़ शोइंग अप फॉर द एग्जाम राइट दिस इज़ पर मनी मैटर्स आर ओनली फॉर टू रिजॉल्व ऑन देयर ओन विदाउट डिस्टर्बिंग और एम्बेरसिंग अ चाइल्ड हु इज़ जस्ट देयर टू स्टडी एंड हंड्रेड परसेंट इट इज़ अ ब्रोकन सिस्टम दैट फोर्सिस यू नो चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज they don't have enough money. Yeah, yeah, it is It is like that. And one day, I remember, I, I remember my science paper was, and I was in class fifth. I had paper they the paper and they asked me to come out. And then when I went back, they didn't give me extra time to complete. Because I had 45 minutes in that situation so money or not. And I asked the teacher to give extra time because it didn't happen. and she just didn't.

हम साइंस लैब में थे एंड एग्जाम नहीं था बट इट 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 वॉज अ क्लास एंड देन टीचर जो है वो फॉर्म भरती है लाइब्रेरी की एंड शी शी वॉज माई क्लास टीचर एंड शी वॉज ऑल्सो माई बायोलॉजी टीचर एंड शी आस्ट मी हम आपके बुक कहाँ काम करते हैं आई मीन वॉट डज यू डू एंड आई रोट सब्जी मंडी एंड शी स्टार्टेड लाफिंग इट वॉज एंड एंड आई टोल्डर कि आप हज क्यों रही है एंड शी जस्ट लाफिंग टीचर्स का एक ऐसा रोल होता है जो बच्चे बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड दे लुक अप टू देयर टीचर्स लाइक आई नो माय डॉटर होल्ड्स हर टीचर्स ओपिनियन इन द हाईएस्ट रिगार्ड अगर उसकी टीचर्स को कुछ बोल देती हैं तो वो उसका मंत्रा बन जाता है कि यही करना है लाइक दिस इज वॉट माई लाइफ शुड लुक लाइक सो आई कैन अंडरस्टैंड इट वुड हैव बीन अ डेविस्टेटिंग इफेक्ट ऑन यू कि आपकी टीचर ने आपके अबू के प्रोफेशन पे इस तरह से मज़ाक उड़ाया बट देन आई थिंक के uh, उस वक्त क्योंकि मैं वही कह रही हूँ कि हम बहुत छोटे थे तो इतना पता नहीं चलता बट देन जब हम बड़े हुए और क्योंकि मैं अब इस प्रोफेशन में हूँ जिसमें मेंटल हेल्थ को बहुत वो करते हैं और uh, सिर्फ आपकी एजुकेशन नहीं उसके साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो हो जाती हैं लाइक like, आपकी रिलेशनशिप्स आप कैसे बात करते हैं आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं आप हर वक्त कैंशियस रहते हैं आई थिंक कि वो सारी चीज़ें उस प्रॉबली शायद थ्रू आउट द लाइफ या चाइल्ड हुड वो ट्रामा रहा या बिट्स एंड पीसेज वो ट्रामा आता रहा तो शायद इस वजह से बाकी की सारी चीज़ें भी अफेक्टेड रही एंड देन आफ्टर अ वाइल वेन आई स्टार्टेड टू नो के आई मीन वाई एम आई आई रिमेम्बर आस्किंग मै सर वाई एम आई लाइक दिस आई मीन मैं इस तरीके से मैं इतनी एंशस क्यों हूँ हर चीज़ को लेकर या इस तरीके से एंड देन आई रिफ्लेक्टेड और फिर

क्योंकि मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो वहाँ का माहौल ही डिफरेंट होता है हमने कभी बाहर खाना खाया ही नहीं वी रिमेंबर दे वॉज ओनली वन प्लेस जहाँ पे हम हमेशा जाते थे लाइक शायद छः महीने में आठ महीने में एक बार और उसके अलावा हमने कोई और जगह खाने खाने की नहीं देखी थी बट आई थिंक वो भी फैमिली टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा था लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में गए तो हर कोई खाना खाने जाता था और मतलब बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ आई आई नेवर हैड मनी टू पिच इन क्योंकि या तो अबू मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ी भरेंगे या तो मुझे घूमने फिरने के पैसे देंगे मैं और मेरा भाई हम आज तक इस बारे में बात करते हैं हम बहुत मजाक उड़ाते हैं कि पहले अगर हमें अबू से पाँच सौ रुपये भी चाहिए थे तो हमें एक हफ़्ता पहले अर्जी देनी होती थी कि अबू ट्यूज़डे को पाँच सौ रुपये चाहिए क्योंकि हमें यहाँ जाना है तो अबू फिर आ, अरेंज करते थे हाँ ठीक है, है तो आई थिंक फ़ाइनेशली काफ़ी आई थिंक इसने काफ़ी अफेक्ट किया है बट नाओ क्योंकि हमें पता है कि उसने कैसे अफेक्ट किया सो आई थिंक हमने खुद ही उस पर काम करना स्टार्ट किया एंड देन वी स्टार्ट टेकिंग ओनरशिप ऑफ आर लाइफ और वी वर्क ऑन इट तो um, आपके अम्मी अबू का um, कुछ सपोर्ट करने के लिए आपने भी क्या uh, बहुत जल्दी uh, काम और जॉब करना स्टार्ट कर दी थी सो uh, जब so मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी शायद इन कॉलेज में आई आई स्टार्टेड गिविंग ट्यूशन्स मैंने बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट की थी बट दैट वाज नॉट इनफ बस इतना था कि मेरे पर्सनल खर्चे जो है वो निकल जाएं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फ़ी वगैरह तो ऑफ़ कोर्स वो बहुत ज़्यादा थी hmm. फिर उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में गई सो so, अबू वॉन्टेड मतलब नो डाउट रिस्पे इिस्पेक्टिव ऑफ़ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अब वो वॉज लाइक जो तुम्हें पढ़ना है वो पढ़ो एंड मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गई पढ़ने वो मेरे घर से डेढ़ घंटा दूर दूर है तो ट्रैवल टाइम इतना ज़्यादा था कि मुझे ट्यूशन्स ड्रॉप करनी पड़ी बट आई डिड नो बैक ऑफ द माइंड में था कि जैसे ही ख़त्म हो जाएगा मुझे सपोर्ट करना है सो जैसे ही मेरे चार साल की डिग्री एंड हो गई आई स्टार्टेड अर्निंग एंड थैंकफुली आई हैड अ गुड डिग्री अ गुड जॉब आई थिंक इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ तो आई स्टार्ट अर्निंग मैं उस वक्त मतलब एक इंटर्नशिप में कर रही थी क्योंकि एक रिक्वायरमेंट थी एंड देन आई वर्क एज अ पार्ट टाइम सो आई वॉज़ अर्निंग इनअ तो मैं घर में मैंने रेंट 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 में थोड़ा सपोर्ट करना स्टार्ट किया एंड ऑन द ग्रोसरीज फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है जॉब बेहतर होने लगी और काम करना स्टार्ट किया आई थिंक आई आई स्टार्ट थर्टी थाउजेंड अ मंथ

उसका डिपॉजिट अरेंज uh, किया फिर रेंट में मैं फिफ्टी परसेंट करती थी ग्रोसरीज में देती थी एंड देन दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड हेल्पिंग एंड लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग एट होम सबकी कंडीशंस भी बेहतर हुई है ना क्योंकि आपके अबू का भी थोड़ा एक बर्डन कम हुआ yes. yeah. um, आपके घर में इतना जब फाइनेशियल uh, मसला चल रहा था तब आपके अबू का क्या रिस्पॉन्स था फर्दर एजुकेशन पर यानी उनको कभी होता था कि भाई बस बस अब छोड़ दो छोड़ो बस बहुत मुश्किल हो रही है मुझे फ़ीस पे करने में आया आई रिम्बर अबू टोल्ड मी वंस के जो बनना है वो बनो बस मुझे बताना कि कितने पैसे देने हैं एंड ही अरेंजड मतलब शायद मुझे मैं आज तक ये नहीं समझ पाती कि इतने सारे पैसे वो कहाँ से लाए थे क्योंकि वो एक साल की बहुत ज़्यादा फी थी आई थिंक उन्होंने लोन्स लिया या क्या किया मेरे साथ वो यूनिवर्सिटी चले हमने बात की कि हम इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे बट अबू जस्ट पेड एवरी सिंगल पैनी जबकि उस यूनिवर्सिटी में और भी बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली थी बट क्योंकि हम कोई बहुत अच्छी फैमिली से नहीं थे या हम बहुत इन्फ्लुन्शल नहीं थे सो हमें कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दी गई बट अबू पेड एवरी पैनी और उन्होंने कहा नहीं मतलब एजुकेशन में देर इज नो कॉम्प्रोमाइज के मुझे पढ़ाना है उसकी कोई बैक स्टोरी है आई एग्जैक्टली डोंट नो बट जहाँ तक मुझे लगता है अबू कहते थे कि देखो पढ़ोगे तो ऑफिस में ए में बैठ के काम करोगे वरना हमारी तरह धूप में बैठना पड़ेगा सो ही वॉज लाइक के हमारी तरह नहीं बनना पढ़ के अच्छा काम करना है सो so इस हम नहीं पढ़े बिकॉज माई अम्मी एंड अबू बहुत मतलब उन्होंने एलिमेंट्री के बाद ही छोड़ दी थी ड्यू टू फाइनेंसेज नाना की तरफ से और दादा की तरफ से बट दे बोस वर वेरी इन्वेस्टेड के नहीं हम नहीं पढ़े तो हमारे तीनों बच्चे जो है वो पढ़ने चाहिए एंड दे शुड स्टडी वट एवर दे वॉन्ट उनकी त मतलब उनकी तरफ से कोई प्रेशर भी नहीं था कि हमें क्या पढ़ना चाहिए हाँ अम, अमी वॉज लाइक के डॉक्टर बनेंगी और नर्स बनेगी बट देन but they wanted कि हम बस पढ़ें क्योंकि वो दोनों खुद ना नहीं पढ़े दैट सो ब्यूटिफुल क्योंकि उनकी उन्होंने जो चीज़ खुद नहीं देखी थी वो एटलीस्ट चाह रहे थे कि आप लोगों को वो वाली लाइफ फेस नहीं करनी पड़े yeah, yeah. और जो उनकी जिंदगी में कमी थी वो आप लोग पूरी कर सकें सोचो so या yeah. um उसके बाद फिर जब आपने यूनिवर्सिटी की आपकी लाइफ खत्म हुई फिर आपकी जॉब स्टार्ट हुई आपकी भी प्रोफेशन क्या था i'm a speech language pathologist oh, so that's main, amazing yeah so i'm a speech therapist too and uh, that is why because this field is very nascent very new yeah. very in demand so the jobs were also in demand i mean i was working or उसके बाद भी काफ़ी सारी आती थी हमारे पास आ जाए काम करने वेरी मच नीडेड इन पाकिस्तान क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग हैं जो स्पीच yeah. थेरेपी कर सकते हैं एंड सो मैनी पीपल नीडेड आई आई एम सो ग्लैड सचनिक स्ट्रॉग फील्ड विच कैन एक्चुअली सर्व सो मैनी पीपल सो आई यू स्टिल वर्किंग इन पाकिस्तान सो नो आई वेंट आई मीन राइट नाउ आई एम डूइंग माई पी एच डी इन स्पीच थेरेपी फ्राम सो आई जस्ट वेंट लाइक वन एंड हाफ ईयर्स अगो सो मैं डेढ़ साल पहले ही मूव हुई हूँ एंड देन जाने से पहले जब मैं जॉब करी थी एज अ स्पीच थेरेपिस्ट सो आई सेव्ड आई सेव्ड अ लॉर ऑफ मनी एंड देन आई हेल्प द फैमिली क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुआ सेविंग भी की और uh, भाई जो है uh, भाई भी पढ़ रहे थे तो थोड़ा बहुत भाई, दोनों भाइयों को सपोर्ट किया पूरी तरीके से नहीं भाई भी काफ़ी काबिल है गोल्ड मेडलिस्ट तो वो अपने ख़ुद ही उन्होंने कर लिया था पर थोड़ा बहुत जहाँ पे उन्हें नीड थी तो मैंने उन्हें हेल्प किया एंड देन uh, मेरा मास्टर्स में हो गया था बैचलर्स के बाद बट उस टाइम पर uh, जो है वो मुझे पता था कि भाई दोनों अभी तक पढ़ रहे हैं और मैं घर में भी हेल्प कर रही हूँ सो so, अगर मैं मूव कर जाती तो अबू के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता तो फिर आई 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 हैड टू ड्रॉप द आइडिया ऑफ डूइंग मास्टर्स एंड स्टार्टेड माई मास्टर्स हेयर और फिर उसके बाद लाइफ वॉज गोइंग ऑन मास्टर्स स्टार्ट कर दिया मेरी इंगेजमेंट हो गई एंड um, भाई भाई जो है वो जॉब करने लग गए वर आइडिया ऑफ स्टडिंग अब्रॉड वो हमेशा से था कि नहीं करना है सो so, इंगेजमेंट के आई थिंक एक साल के बाद वी वर प्लानिंग मैरिज हम शादी प्लान करे थे कि बस अब ट्वेंटी ट्वेंटी वन डिसम्बर ट्वेंटी टू जनवरी वॉज टाइम के हमें अब शादी करनी है एंड so, देन yeah. मैंने दानिश को कहा माय हस्बैंड के आई आई रियली वांट टू अप्लाई मुझे थोड़ा मतलब मैं लाइफ में रिग्रेट नहीं करना चाहती कि मैंने आखिरी ट्राई भी नहीं किया सो आई अप्लाइड फॉर माय पीएचडी एंड उसमें क्योंकि आपको बहुत सारे प्रपोजल्स देने होते हैं तो फिर hmm. आपको उनसे आंसर आता है एंड देन फाइनली आई गॉट इन इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विथ स्कॉलरशिप एंड टी ए पोजिशन सो दैट वॉज ह्यूज लेकिन अब तो शादी करनी है अब या तो पढ़ेंगे या <laughs> क्या करेंगे सो so, इट इट वॉज़ जस्ट दानिश एंड मी हू न्यू के एडमिशन हो गया है एंड देन मेरी फैमिली में न्यूज़ ब्रेक करना एंड देन उसकी फैमिली में न्यूज़ ब्रेक करना माई फैमिली वॉज वेरी हैप्पी यस गो हो गया जाओ अभी अभी चले जाओ फॉरन बट देन उनकी फ़ैमिली को आई थिंक कन्विंस करना पड़ा इतना तो कन्विंस नहीं बट बिकॉज दानिश वॉज वेरी सपोर्टिंग ही इज़ वेरी सपोर्टिव तो फिर बात की एंड देन आई थिंक एक एक महीने का टाइम था और बस निका किया एंड देन निका के एक हफ्ते के बाद आई मूव टू यू एस alone my husband was there so and now um, like are you still studying there yes so i'm still studying uh, my phd may be i am right now in my second year but u.s mess as a speech therapist aapko job clinically you have to get a certificate of clinical competence from the u.s or was certificate of clinical competence clinically there are several requirements which you have to do so one of the requirement is doing 720 hours of clinical fellowship Toh, पाकिस्तानी एजुकेशन से पढ़े हैं तो उन्होंने हमारी जो है वो मतलब मैं, तो मैं चार साल ऑलरेडी यहाँ काम करके गई थी लेकिन उन्होंने उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया कि आपको दोबारा oh. से करना पड़ेगा सो रिसेंटली आई थिंक कुछ महीने पहले मुझे वो जॉब मिली है एंड आई थिंक वो भी दैट वॉज अ ब्लेसिंग इन दिस शुरू में तो लग रहा था कि क्यों करना है पर आई थिंक वो जॉब लगी सो आई स्टार्टेड अर्निंग बेटर उस जॉब से एंड देन मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रही थी तो फिर दोनों

He 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 got it and then he came with me. That's amazing. And aapke ammi abbu ko aapko dekh ke kya lagta hai Oh, they are they are very happy. They are they are very proud. And I think ke log I mean they are proud वो वो लोगों को कहते हैं कि ये मेरी बेटी है. And जब वो कहते हैं आप साबरीन के पेरेंट्स हैं. And they 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 really feel very very happy. They are proud. And अभी जब मैं वापस आई हूँ तो so, मैंने किसी को भी नहीं बताया था इट वॉज़ जस्ट मी कि मैं आ गई हूँ एंड इट वॉज अ सरप्राइज़ फॉर देम एंड दे बोथ स्टार्ट क्राइंग बट येस दे आर दे आर वेरी प्राउड दे आर वेरी हैप्पी एंड आई थिंक आई आई कैन सी इट इन देर आइज के इट्स इट्स अ वेरी के उन्होंने जो लाइफ देखी उनकी बेटी वो नहीं देख रही और वहाँ से जो भी मैं हेल्प कर रही हूँ आई मीन आई थिंक वहाँ पर रह के विद इन अ ईयर भी जो थोड़ा बहुत मैंने सपोर्ट किया तो जिस घर में हम रह रहे थे उससे ही फिर हमने दोबारा renovate karaya and thodi i mean quality of life kept getting better and i think this is this is this is what success is for me